हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या एक्सटर्नल चीजें छिपी हुई हैं। जी हाँ, जब किसी को पेन होता है या जब कोई बीमार होता है और उसके बाद जब बॉडी का एक्सरे किया जाता है, तब जाकर पता चलता है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं। दोस्तों, आज हम इंसानों की बॉडी से निकाले गए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ये नया एपिसोड, अ स्वॉर्ड फिश बिल। दोस्तों, ये एक खतरनाक मछली होती है जिसके हमले से कोई भी इंसान मर सकता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2020 में एक ऐसी ही घटना हुई जिसके बारे में सोचकर सबको डर लग जाएगा। जी हाँ, ये घटना है अमेरिका की, जहाँ पर जनवरी के महीने में एक महिला समुद्र में नहा रही थी कि अचानक ही एक स्वॉर्ड फिश बिल आई और अपना बड़ा सा नुकीला आगे का हिस्सा महिला के पेट में चुभाकर भाग गई। जी हाँ फ्रेंड्स, ये घटना बहुत ही खतरनाक थी। महिला को बहुत ही दर्द हुआ और वो जैसे तैसे समंदर से तो निकल आई, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला कि इनके पेट में बहुत डैमेज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब डॉक्टर्स ने इनका एक्सरे किया तो पता चला कि ये मामला ही अलग था। जी हाँ, ये लड़की के पेट में स्वॉर्ड फिश बिल का नुकीला आगे का हिस्सा चिपक गया था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक पल था। महिला धीरे धीरे बेहोश होने लगी। सब लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि ये बचेगी या नहीं, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की रहमत देखिए, इस महिला का ऑपरेशन किया गया और समय रहते हुए स्वॉर्ड फिश बिल का नुकीला हिस्सा महिला के पेट से निकाल दिया गया। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि एक साल में कम से कम 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है स्वॉर्ड फिश बिल के नुकीले पार्ट से। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी ही और घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय के साथ कुछ भी हो सकता है। चमत्कार सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर भी हो सकता है। यहाँ अंदर का मतलब है इंसान के शरीर के अंदर का हिस्सा। दोस्तों, ये कहानी है स्वीडन की, जहाँ पर एक 75 साल के बूढ़े अंकल को बहुत तकलीफ हुई। अचानक ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें जल्दी से बगल वाले हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फ्रेंड्स, ऐसा लगा कि शायद अंकल को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इनफैक्ट जब इनका एक्सरे किया गया तो पता चला कि इनके लीवर में कुछ ग्रोथ था। जब डॉक्टर्स की एक और टीम ने अच्छे से एक्सरे किया तो देखा और पता चला कि इनके लीवर में तो 1 सेंटीमीटर का एक पेड़ निकल गया था। जी हाँ दोस्तों, ये था पी प्लांट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पी प्लांट कैसे किसी इंसान की बॉडी के अंदर जन्म ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि इंसान के बॉडी का टेम्परेचर सबसे परफेक्ट होता है पी प्लांट के ग्रोथ के लिए। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी घटना थी। दोस्तों, अब हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इंसान के शरीर के अंदर क्या चीजें घुस जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी शॉकिंग घटना के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया में घटी थी। इस लड़के को आप देखिए, इनका नाम है मार्क, जो कि मेलबर्न के रहने वाले हैं। दोस्तों, इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे ये अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। इनके पेट से जानते हैं आप क्या निकला? जी हाँ, ये चीज थी स्पाइडर, जो कि एक मकड़ा है। ये इनके पेट के अंदर कैसे घुस गया और कैसे ये जिंदा रहा, इस बात का किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे अजीब बात ये हुई कि जहाँ जहाँ ये पेट के अंदर चलता जा रहा था, वहाँ इनके पेट में रंग लाल होता जा रहा था। जी हाँ, जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि नॉर्मल सी बात है और डॉक्टर ने एक क्रीम दे दिया। दोस्तों, लेकिन इससे लड़के को आराम नहीं मिला और लड़का बीमार हो गया। जब इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि इनके पेट में स्पाइडर है। वेल दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना थी। हालांकि इनको ऑपरेशन किया गया और इनके पेट से स्पाइडर को निकाल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये स्पाइडर इनके पेट में घुसा कैसे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कई चीजें जो इंसान के शरीर से निकलती हैं वो सिर्फ पेट के अंदर ही होती हैं। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ये घटना भी इसी साल की है, जब एक लड़के के कान में बहुत तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को लगा कि हो सकता है ये माइनर सी बात है और पेन किलर देकर उस लड़के को घर भेज दिया। लेकिन अगले दिन जब एक बार फिर से भयानक पेन हुआ तो पता चला कि इनके कान में मैगट्स थे। जी हाँ, ये वो कीड़े होते हैं जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है। आप समझिए कि कान की सफाई नहीं होने की वजह से इनके कान में 8 मैगट्स पैदा हो गए थे। ये भी शॉकिंग बात थी। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि कान की सफाई करते रहिए। वैसे दोस्तों, आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि हमारी टीम भी आपके लिए खूब मेहनत करती है।
हमारी टीम भी आपके लिए रोज वीडियोस बनाती है। ऐसे में दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप अपना प्यार लाइक के जरिए इस वीडियो को जरूर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक और घटना की ओर। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी घटना जो कि घटित हुई थी पेरू में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इंसान की आंखों में भी कीड़े घुस जाते हैं और वो भी खतरनाक वाले। दोस्तों, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। अचानक से लड़के को लगा कि शायद उनके लेफ्ट साइड आई में स्वेल आ गई है। जी हाँ, वो हॉस्पिटल गया और जब उनका एक्सरे चेक किया गया तो पता चला कि ये अलग ही केस है। दोस्तों, बात ये थी कि इस लड़के की आंख में एक प्रकार का वर्म घुस गया था जो कि डॉक्टर्स को पता चला, लेकिन ये चैलेंज था कि ये इसको निकालेंगे कैसे। ऑपरेशन करना आसान था, लेकिन चूंकि अंदर मूवमेंट थी इसलिए दोस्तों डॉक्टर्स ने एक ऐसे पत्ते का इस्तेमाल किया जिसकी स्मेल पर ये कीड़ा अट्रैक्ट हो जाता था। अब दोस्तों हुआ ये कि जैसे ही पत्ते की स्मेल से वो कीड़ा बाहर आया, लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में बहुत परेशानी हुई। वो कहते हैं ना, जब सही समय पर आपकी बीमारी का पता चल जाता है तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और अंत में ये बच्चा ठीक हो गया। चलिए, अंत भला तो फिर सब भला। दोस्तों, आप यकीन कर सकते हैं कि एक इंसान ऐसा भी था जिसके पेट से एक या दो नहीं बल्कि 40 चाकू बाहर निकले। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या था। दोस्तों, ये घटना सत्य है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देश हिंदुस्तान की है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कोई भी इंसान इतने दिनों से चाकू खा रहा था, क्या बात। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी घटना थी। डॉक्टर्स ने ऑफिस में मीटिंग की और उसके बाद ऑपरेशन करना शुरू किया। इस काम को करने में कुल 5 घंटे का समय लगा। कहा जाता है कि एक एक करके 40 चाकुओं को निकाल दिया गया और ये घटना वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस आदमी की जान बच गई। क्या आप भी यकीन कर सकते हैं कि इन 40 चाकुओं में से कई तो ऐसे भी थे जो कि स्ट्रेट यानी कि ओपन थे। अब अंदाजा लगाइए कि ये इंसान कितना ज्यादा लकी था जो कि आज भी जिंदा है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी घटना जिसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान के शरीर के अंदर ऐसी चीजें भी निकल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये घटना अमेरिका की है जहाँ पर एक 22 साल की लड़की के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर्स ने एक्सरे किया तो वो चौंक क्यों गए। जी हाँ, क्योंकि इनके पेट से निकला 8 किलो इंसान का बाल। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी महिला के पेट से 8 किलो के वजन का बाल निकल सकता है? क्या ये लड़की बाल खाती थी? जी हाँ, डॉक्टर्स ने तो साफ साफ कह दिया कि ये लड़की बाल ही खाती थी, इसीलिए दोस्तों उसके पेट से इतने सारे बाल निकले। कई बार समझ नहीं आता कि इंसान चाहता क्या है। बाल भी भला कोई खाने की चीज होती है? दोस्तों, अब हम आपको अंत में एक और ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि एक दिन में पूरी दुनिया में हजारों ऑपरेशंस होते हैं। कई बार डॉक्टर से भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साल 2009 में अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, डॉक्टर्स ने एक लड़की का ऑपरेशन किया और वो हर ऑपरेशन की तरह नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लड़की को दोबारा दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई। जब एक्सरे किया गया तो पता चला कि उनके पेट में कैंची पड़ी हुई थी। जी हाँ, होना क्या था, उसके बाद फटाफट उस कैंची को निकालने के लिए दोबारा ऑपरेशन किया गया और इस बार सही तरीके से लड़की के पेट से सब कुछ निकाल दिया गया। समझिए, ये भी कितनी बड़ी घटना थी, क्या ही कहा जाए। कई बार इस तरह की चीजें होती रहती हैं। दोस्तों, अंत में आप इस तस्वीर को भी देख ही लीजिए। ये है एक जीते बच्चे के कॉइन खाने की आदत और न जाने 20 से 30 कॉइन इनके पेट में चले गए। अब आप समझिए, छोटा सा बच्चा 20 से 30 कॉइन खाकर बैठा हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखना। टेक केयर।